नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन करके श्री राम भक्तों का जत्था वापस लौटा। मुल्ताई भाजपा द्वारा पूरे देश में श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने के लिए श्री राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गयी। भाजपा कार्यालय मुल्ताई से की गई बस व्यवस्था से इटारसी तक पहुंचाया गया। इसके बाद रात 8:15 बजे इटारसी से स्पेशल ट्रेन से अयोध्या तक पहुंचाने की व्यवस्था भाजपा द्वारा की गई। श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन यात्रा में नगर मंडल के श्री राम भक्तों द्वारा मां सरयू नदी में स्नान, हनुमान गढ़ी में प्रभु हनुमान जी के दर्शन, राजा दशरथ महल के साथ अन्य मंदिरों के दर्शन सहित श्री राम जी के जय घोष के साथ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन किए गए। श्री राम जी के बने भव्य मंदिर ने श्री राम भक्तों को भावुक कर दिया। 500 वर्षों के बाद श्री राम लला को उनके जन्म स्थान पर विराजमान देख सभी श्री राम भक्तों में उत्साह है। अयोध्या में दर्शन के लिए यूपी की भाजपा योगी सरकार द्वारा स्टेशन से टेंट सिटी तक और टेंट सिटी से दर्शन के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा के दौरान श्री राम भक्तों द्वारा प्रभु श्री राम जी, प्रभु हनुमान जी और मां ताप्ती के जय घोष के साथ भजन कीर्तन, नाच गान सहित पूरा जत्था प्रभु श्री राम के भक्ति में भाव विभोर हो गया। मुल्ताई नगर में प्रवेश किया, जहां बस स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर में मुल्ताई नगर मंडल दर्शन यात्रा के संयोजक उत्तम बोड़के सहित अन्य नगर वासियों ने स्वागत किया। यात्रा में शामिल महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष सुधा परमार, पार्षद शिल्पा शर्मा, सैफाली पालीवाल, कंचन पठाड़े, गौरी सूर्यवंशी, सुरेश पाठेका, संजय सोनी, राजेंद्र रघुवंशी, नीलेश चावरिया, धर्मेंद्र नरवरे सहित अन्य श्री राम भक्तों ने यात्रा को सफल बताया और भाजपा संगठन को अच्छी व्यवस्था के लिए बधाई दी। इंडिया न्यूज 28 के लिए सिटी रिपोर्टर उपेंद्र साहू की रिपोर्ट।